सो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज हम आए हैं साईवल और हमारा यहाँ आते साथ ही पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा शदीद पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा था कि पूछो मत। तो हमने सोचा कि अब हमें समझ नहीं आई थी कि हम कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ, तो एट द एंड हमने फ़ाइनल किया कि यहाँ पे एक न्यू शॉप खुली है पिज़्ज़ेरिया के नाम से, वहाँ पे उनका पिज़्ज़ा ट्राई करने चलते हैं। पिज़्ज़ेरिया में लाइक इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, सिटिंग रेंज बहुत अच्छी थी, फैमिली इन्वायरमेंट था, यानी आप कंफर्टेबल होकर खाना खा सकते हो। लेकिन हमें डाउट थे पिज़्ज़े के टेस्ट के मामले में, तो वो हम बस लेकिन हम खाने बैठ गए हैं। हमने कहा कि इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये लोग अपनी पिज़्ज़ा मेकिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी जो डो बनाई हुई है ऑलरेडी, उसमें ये मायोनीज एंड अपनी चीज़ें डाल रहे हैं। अब मैं स्पेशल नहीं हूँ पिज़्ज़ा बनाने में, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ ऐसी वो चीज़ें डालें जिसका मुझे बिल्कुल बिल्कुल 0% अंदाज़ा है, तो डोंट माइंड दैट। लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने मायोनीज वगैरह डाल दी हैं दो टाइप की, एंड देन इनमें इन्होंने इसमें सबसे पहले डाला है चिकन। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी चिकन की क्वांटिटी अपने पिज़्ज़े में बहुत ज़्यादा है, मतलब ये नहीं है कि आपको चिकन ढूंढना पड़ेगा पिज़्ज़े में, आपको अच्छी क्वांटिटी दे रहे हैं ये। एंड देन सेकंड पे जा रहे हैं आप अनियंस, एंड उसके बाद जा रही है चीज़। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोग अपनी क्वांटिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे ना, जैसे कि मायो भी अच्छी क्वांटिटी में थे, चिकन भी, अनियंस भी, एंड नाउ चीज़ की भी बहुत अच्छी लेयरिंग कर रहे हैं ये लोग। तो मुझे इस मामले में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। एंड प्लस जो सबसे मेरी अच्छी बात मुझे लगी थी इन लोगों की, वो ये थी कि ये लोग सब कुछ ग्लव्स पहन के कर रहे थे, मतलब साफ़ सुथरे तरीके से। आप ये नहीं कह सकते कि यार इनका खाना गंदे तरीके से या अनहाइजीनिक तरीके से बना हुआ है, तो ये बात इनकी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। देन इसके बाद इन लोगों ने वेजेज में शिमला मिर्चें और डाली हैं, एंड आई डोंट नो अबाउट यू गाइस बट पिज़्ज़े में मुझे अनियंस एंड शिमला मिर्च लाइक मेरी टॉप फेवरेट चीज़ें हैं ये। तो मैं पहले कभी नहीं किसी शॉप में मैंने ऐसे पिज़्ज़ा बनते हुए देखा, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा यार ये कितना इंटरेस्टिंग ओवन है। तो इसका कंसेप्ट ये है कि पिज़्ज़ा बस इधर ही इन लोग रख देंगे एंड दूसरी साइड से बिल्कुल बन के विद इन 5 मिनट्स बन के इतना यम्मी सा तैयार होके निकल आया। एंड मे बी आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पहले पता हो, लेकिन मेरा न्यू एक्सपीरियंस था एंड मुझको ये देख के बहुत बहुत यम्मी लग रहा था कि वो कितने मज़े का बन के बाहर निकल आया। अब जैसे कि आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा बिल्कुल बन के रेडी है, एंड अब इसकी वो कर लेंगे हल्की सी इन लोगों ने ऑयलिंग की है, एंड देन इसके बाद इसकी बारी आ गई है कटिंग की, कटिंग, एंड दिस इज़ द फाइनल थिंग दे हैव टू डू। तो उसके बाद पिज़्ज़ा बिल्कुल मायोनीज के बाद और कटिंग के बाद पिज़्ज़ा बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी है। एंड अब आप देख सकते हैं कि इनकी सर्विंग बहुत यम्मी लग रही है। खैर हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मुझको तो इधर का पिज़्ज़ा बहुत पसंद आया, एंड इफ़ यू आर लिविंग इन साईवाल देन यू शुड ट्राई देयर पिज़्ज़ा एज वेल। एंड मैं हम लोगों ने इधर के विंग्स वगैरह भी ट्राई किए थे, एंड वी एंजॉयड आवर ट्रिप। होप यू लाइक इट, एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।